हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश पांडे डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो की सीरीज में एक नया वीडियो मैं आज जो लेके आया हूँ वो आपका है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था वो प्रीवियस वीडियो आपका था कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या था, बेसिकली जो हम डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टडी कर रहे थे वो डेटा स्ट्रक्चर आपका था टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में आपका है हाउ टू मेक अनराइज डेटा स्ट्रक्चर इन टू टाइप्स, फर्स्ट इज द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन इज द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने बताया भी था नेक्स्ट वीडियो में कि आपका जो डेटा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है कि बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से आपकी मशीन पे इनबिल्ट हो, दीज डेटा स्ट्रक्चर्स आपका कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में आपको दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया था, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स था और दूसरा क्या था आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स था। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो आपके सिक्वेंशियल वे में रिप्रेजेंट हो रहे थे और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो नॉन सिक्वेंशियल वे में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का पहला टॉपिक जो आपका है वो आपका क्या है एरे। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका है बेसिकली एरे। एक्चुअल में एरे आपका है क्या वो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एरे कैसे रिप्रेजेंट होता है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर जितने भी ऑपरेशन हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के जैसे आपका इंसर्शन था, डिलीशन था, ट्रैवर्सिंग था, आपका मर्जिंग था, आपका सॉर्टिंग था, तो वो सारे एप्लीकेशन फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर एरे डेटा स्ट्रक्चर पे। तो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में आपका जो पहला टॉपिक है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स का वो क्या है आपका एरे। तो एक्चुअल में एरे है क्या ये हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो एरे आपका है बेसिकली जो आपका एरे डिफाइन होता है, एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या आपका है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि सिमिलर डेटा या हम कह सकते हैं होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। दैट मीन्स अगर हम जैसे मान लीजिए हम कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वेरिएबल डिफाइन किया इन ए टेन, यहाँ पर ए एज अ वेरिएबल है जो किस टाइप का है इंटीजर टाइप का है और कितने एलिमेंट स्टोर करेगा 10 एलिमेंट स्टोर करेगा। तो यहाँ पर जो ए एज अ एरे वेरिएबल है और वो कितने एलिमेंट ले रहा है 10 एलिमेंट्स और वो कितने टाइप्स के हैं सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं। तो जो एरे आपका यहाँ पर है एरे बेसिकली इसीलिए कहा जाता है कि एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर द सिमिलर एलिमेंट्स आर होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एरे के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टीज है क्या है कि आपका जो एरे है एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी क्या है कि एरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसके बाद क्या दैट स्टोर सिमिलर डेटा एलिमेंट यानी कि वो सिमिलर डेटा एलिमेंट को स्टोर करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एरे आपका एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है जो सिमिलर एलिमेंट को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एरे की क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट एरे क्या है कि एरे का जो आपका प्रॉपर्टी सेकंड कह रहा है कि द इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, यानी एरे का जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी कह रहा है यानी ये दो प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या है एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप्स एलिमेंट्स द इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो। और अब ये एक्चुअल में है क्या इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी जैसे आपका कोई भी एरे एलिमेंट है, जैसे आपका कोई भी एरे एलिमेंट है यानी मान लीजिए आपने कोई एरे स्टार्ट स्टोर किया, इस पर्टिकुलर में एरे स्टोर किया 5, 4, 6, 7, तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा इंडेक्स जीरो, यानी हमेशा एरे का इंडेक्स क्या होता है जीरो स्टार्ट होगा। एरे इंडेक्स जीरो फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक। तो ये आपका जो हमेशा एरे का जो इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एरे कंटेन्स अ कंटिगुअस मेमोरी। कंटिगुअस मेमोरी मतलब वन बाय वन एलिमेंट स्टोर करेगा, 5 के बाद हो रहा है
यानी कोई भी आपकी मेमोरी यहाँ पर स्पेस मेमोरी यहाँ पर बचेगी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि एरे हैव इन एन एरे नो बाउंड्री लिमिट। नो बाउंड्री लिमिट मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक एरे डिफाइन किया जिसकी साइज कितनी है 5। एरे की साइज कितनी है, यहाँ पर मैंने एक एरे डिफाइन किया उसकी साइज कितनी है 5। ठीक, तो अब अगर मैंने 5 एलिमेंट डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर अगर मैं 3 एलिमेंट ही दे रहा हूँ तब भी आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, यानी एरे है नो बाउंड्री लिमिट, यानी कोई भी दिक्कत नहीं। आप अगर 5 एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 5 ही एलिमेंट यहाँ पर स्टोर कराने, आप 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो तो आपके एलिमेंट वहाँ पर शो होंगे। या फिर कह सकते हैं कि अगर मैंने ए 5 एलिमेंट डिफाइन कर दिया, ए 5 एलिमेंट डिफाइन कर दिया और यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 6 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट से मैंने यहाँ पर क्या दिया 6 एलिमेंट, तब भी आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके पास जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स होंगे वही आपके डिस्प्ले होंगे, बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो कहीं कहीं जाके गार्बेज में स्टोर हो जाएंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी एरे की। तो पहली प्रॉपर्टी एरे की मैंने बताया, यानी सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं। आप देखिएगा कि एरे की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, यानी पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, पहली प्रॉपर्टी कह रहा है कि एरे जो आपका है वो क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है एंड स्टोर सिमिलर एलिमेंट। पहली प्रॉपर्टी यही है कि आपकी एरे है इसमें आपके पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा और वो डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, सिमिलर एलिमेंट को स्टोर करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, मैंने बताया कि इंडेक्स क्यों जीरो स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होगा। जो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एरे हैज नो बाउंड्री लिमिट, कोई बाउंड्री लिमिट नहीं होती है, क्या साइज से लेस देन एलिमेंट देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, साइज से मैक्सिमम एलिमेंट देते हो तब भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एरे है कंटिन्यूअस मेमोरी, यानी वन बाय वन एलिमेंट आपके स्टोर होंगे। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एरे, ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एरे है। तो आपका पर्टिकुलर एरे हो गया। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपका जो एरे है वो कितने टाइप से कैटेगराइज है। यहाँ पर आपको डिस्कस जो करना है वो डिस्कस क्या करना है, टाइप्स ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे डिफाइन करना है। फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि आपका यहाँ पर डिफाइन करना है क्या है, टाइप्स ऑफ एरे। एरे बेसिकली हमारा जो है वो दो तरीके से कन्वर्ट किया, दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है। बेसिकली हमारे पास जो हम स्टडी करेंगे बस दो ही तरीके से स्टडी करेंगे। पहला आपका क्या है, 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे। और दूसरा आपका क्या है, 2D एरे, टू डायमेंशनल एरे। पहला आपका क्या है, 1D एरे, दूसरा आपका क्या है, 2D एरे। अब जैसे 1D एरे है 2D एरे, तो इसको पहले हम ये डिस्कस कर लें कि आपका जो एरे है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कैसे डिक्लेयर किया जाता है। एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है, यहां पर लिखते हैं टाइप, पहले लिखते हैं क्या, टाइप ऑफ एन एरे, यानी वो एरे किस टाइप का है पहले वो, यानी वो इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है वो डिफाइन करना है। देन नेम कि किस नाम का वेरिएबल है, एंड देन क्या होगा, साइज ऑफ एरे, क्या होगा, साइज ऑफ एरे। ओके, तो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे का है, कैसे आपका एरे डिक्लेयर होगा। सबसे पहले आपका क्या होगा, टाइप ऑफ एरे, फिर उसका स्पेस देने क्या करेंगे, नेम लिखेंगे, और नेम के बाद क्या देंगे, साइज देंगे। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया कि आपका कोई ए एरे है और उसकी साइज क्या है, 30 है, ठीक है, और वो किस टाइप का है, इंटीजर का है। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। तो यहाँ पर तो आपका 1D एरे, 2D एरे, ये आपके क्या है, ये टाइप्स ऑफ एरे है। तो टाइप्स ऑफ एरे अगर है तो दैट मीन्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एरे की होल्ड करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी आपके एरे की थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपकी होल्ड होंगी। ये तो कंफर्म है आपके पास, चाहे वो 1D एरे हो चाहे 2D एरे, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ एन एरे। अब अगर कोई एरे
में जो आपका सबस्क्रिप्ट है, अगर सिंगल सबस्क्रिप्ट डिफाइंड है, जैसे मैंने लिखा इंटीजर ए 30, इंटीजर ए 30 यहाँ पर कितने सबस्क्रिप्ट है, एक सबस्क्रिप्ट है। That means, या तो इसको हम कॉलम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको रो पर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई एरे पे केवल सिंगल सबस्क्रिप्ट डिफाइंड है तो उस एरे को क्या बोलेंगे, हम वन डी एरे बोलेंगे। और यहाँ पर अगर क्या है इंटीजर ए 30 20, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 डायमेंशन, यानी आपके पास एरे के कितने डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन। पहले वाले को यहाँ बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ रो, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, जिसको हम अभी रिप्रेजेंट करेंगे कैसे रिप्रेजेंट करना है तो वो हम देखेंगे। क्लियर, ये आपका क्या है 1D एरे है और ये आपका क्या है 2D एरे। यहां तक बात से सबको समझ में आ गई, 1D एरे 2D एरे। तो जब 1D एरे 2D एरे, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो भी आपके पास एरे है, जो भी आपके पास एरे है, उस एरे में हम जो एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, यानी आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब देखेंगे हम आगे, आपको नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि आपके पास क्या है ऑपरेशन ऑन एन एरे, ऑपरेशन ऑन एन एरे। कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, बेसिकली हम यहाँ पर ऑपरेशन पढ़ेंगे, तो मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन हम पढ़ रहे हैं क्या है, पहला आपका होगा इंसर्शन, दूसरा आपका होगा डिलीशन, और तीसरा आपका क्या होगा मर्जिंग, सर्चिंग, फिर सॉर्टिंग एंड देन ट्रैवर्सिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन कौन सा है, आपका कौन कौन सा है, इंसर्शन है, देन डिलीशन है, देन सर्चिंग है, सर्च करना है, हाउ टू सर्च, सॉर्ट, देन मर्ज एंड देन ट्रैवर्स। ये सारे के सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे अभी 1D एरे, किसमें परफॉर्म करेंगे, 1D एरे में हम परफॉर्म करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं 2D। सबसे पहला जो आपका ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कौन सा है, इंसर्शन। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम किसी भी एरे में जो आपका है वो पर्टिकुलर एरे में हम कैसे इंसर्शन करेंगे, तो फिर उसी का हम उसका अप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इंसर्शन ऑफ एन एरे, यानी कौन कौन से कैसे हम इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक एरे डिफाइंड है, ठीक है, अब एरे में हमें एलिमेंट स्टोर करने हैं, मान लीजिए हमारे पास पहले 4 है 5 है 6 है 7, पहले आप हम समझ लें कैसे इंसर्ट करते हैं, तो उसका एल्गो करेंगे और फिर उसका अप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट है, अब अगर कोई एरे डिफाइंड है, मैंने बताया भी था कि एरे में आप कहीं भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, यानी हम चाहे तो एलिमेंट यहां इंसर्ट कर सकते हैं, यानी पहला हमारा क्या है एट द फर्स्ट, यानी फर्स्ट पॉइंट पे, यानी बिगिनिंग में हम कर सकते हैं एट फर्स्ट, एट द फर्स्ट एलिमेंट, यानी यहां पर हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं एट द इंड एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं किसी गिवन लोकेशन पे हम एलिमेंट को, गिवन लोकेशन पे हम एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर, यानी पहला आपका क्या है एट द फर्स्ट, एट द इंड एंड गिवन लोकेशन, ये 3 पॉइंट आपके हैं। अब लेकिन हम जब भी किसी भी एरे में एलिमेंट को स्टोर करेंगे, सबसे पहली चीज हमारे पास ये होनी चाहिए इंसर्शन के लिए कि हमारे पास अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है, अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो पहले ये देखना होता है कि क्या हमारी एरे में स्पेस है कि नहीं। अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट क्या दिया हुआ है A5, क्या दिया हुआ है A5, और एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर क्या एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, नहीं। तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि मैक्स मतलब या कह सकते हैं और जो आपका पहली पोजिशन पर होता है उसे क्या बोलते हैं यहाँ पर LB बोलते हैं, लोअर बाउंड हमेशा क्या होगा 0 होगा, और जो लास्ट में होता है वो क्या होता है आपका अपर बाउंड, यानी UB, LB और UB होता है, ठीक, LB लोअर बाउंड है अपर बाउंड। अगर आपका UB यहाँ पर एरे की साइज कितनी है A5,
यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, 5 5 5 5। अगर UB इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, अगर UB इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है, UB कितना है 4, और मैक्स माइनस 1 मीन जो एलिमेंट यानी 5 माइनस 1 दैट इज 4। अगर UB इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है तो हम उस पर्टिकुलर एरे में एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तब हम उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, यानी एलिमेंट। अब यहाँ पर एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, और कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किसी गिवन लोकेशन पे भी स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे स्टोर करना है, यानी आपको फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पर्टिकुलर एरे में एलिमेंट है वो एलिमेंट हम वहां पर कैसे स्टोर करेंगे। यानी हम यहां पर डिस्कस करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे कैसे स्टोर करते हैं, सेकंड पोजीशन पे कैसे स्टोर करते हैं, लास्ट पोजीशन पे कैसे स्टोर करते हैं, या फिर हमारे पास कोई गिवन लोकेशन होगी वहां पर एलिमेंट हम कैसे स्टोर करेंगे। लेकिन स्टोर करने से पहले, इंसर्ट करने से पहले हमारे पास चेक करना पड़ेगा कि वो आपकी एरे एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तभी हम उसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसमें वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू।